सर पहला सवाल ये रहेगा कि पशुपति पारस के खिलाफ केंद्रीय मंत्री से हटाने के लिए चिराग पासवान की पार्टी के जो बिहार के अध्यक्ष हैं राजू तिवारी, उन्होंने प्रधानमंत्री और अमित शाह को एक पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि पशुपति पारस ने चिराग पासवान के लिए गलत शब्द का प्रयोग किया है, उसकी जांच होनी चाहिए। सिर्फ ये जो लास्ट टाइम जो उन्होंने बयान दिया था वही नहीं, उससे पहले जो उन्होंने बयान दिया था कि वो खून नहीं है हमारे चिराग पासवान, उस पर भी। तो इस पर सबसे पहला रिएक्शन क्या रहेगा सर आपका? देखिए, सबसे पहले किसी को मंत्रिमंडल में रखना और नहीं रखना, यह प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। रहा जी, बात राजू तिवारी, राजू तिवारी और चिराग पासवान ना तो एनडीए के पार्ट है ना एनडीए के अंग है। और रहा बात कि चिराग पासवान के बारे में पशुपति कुमार पारस जी ने कहा कि ये मेरे खून नहीं है, तो ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। चिराग पासवान ने खुद 8 अक्टूबर 2020 का हमारे पूज्य नेता रामविलास पासवान जी का देहांत हुआ था, और श्राद्ध कर्म के 8 दिन के मैंने अभी श्राद्ध कर्म का प्रक्रिया चल रहा था, उसी बीच में चिराग पासवान ने अपने चाचा को घर पर कुछ राय विचार के लिए बुलाया, और उसी राय विचार के बीच में उन्होंने कुछ बात पर तूतू मैं हुआ, उसमें कहें कि आप मेरे खून नहीं है। तो ये चिराग पासवान ने खुद किया है कि आप मेरे खून नहीं है। और चिराग पासवान अपने आप को बिहारी मानते हैं कि नहीं, इस पर भी मुझे शक है, क्योंकि परिवार के लोगों को अपना खून नहीं मानते हैं, और हमको लगता है कि अपने आप को पंजाब कल्चर के लोग और पंजाबी मानते हैं। इसी संदर्भ को लेकर के उन्होंने उस समय पशुपति कुमार पारस जी को कहा, वहां उनकी माता जी थी, प्रिंस राज जी सांसद थे, कृष्ण राज जी थे, यश राज जी थे, सबके सामने, परिवार के तमाम सदस्यों के सामने। और इसी बात को लेकर के परिवार में मतभेद उभरा और आज इस नौबत तक पहुंची है। मतलब तो ये आप बड़ा खुलासा कर रहे हैं एक तरीके से कि एक्शन का रिएक्शन था पशुपति पारस का बयान, यानी कि निश्चित चिराग निश्चित पासवान ने अंदर खाने बंद कमरे में पशुपति पारस के लिए ये बातें कही थी कि आप मेरे खून नहीं है, तो इसी को उनको दिल को ठेस पहुंची और वही बातें उनकी जुबा से छलकी है आज। आज तक उस बात को छिपा के रखे थे, अब उसको सार्वजनिक किए। जी चिराग पासवान कई बार पूर्व में भी कर चुके हैं। तो जी पारस जी, हमको याद है कि हाजीपुर में जो उनका अभिनंदन समारोह केंद्रीय मंत्री बनने के बाद हुआ था, जिसमें भी किए थे, रविंद्र भवन में पिछले साल यही जुलाई महीना में हम कार्यकर्ता सम्मेलन कराए थे, उसमें भी इस बात को प्रिंस राज जी ने कहा था। ये पहले से है। और और एनडीए में कौन रहेगा कौन नहीं, ये चिराग पासवान और राजू तिवारी खुद नहीं। राजू तिवारी कब का पॉलिटिशियन है? राजू तिवारी तो भट्टा चलाने वाले अपराधी प्रवृत्ति के लोग, लूटपाट अपहरण बलात्कार करने वाले परिवार और उस परिवार से संदर्भ रखने वाले लोग हैं, अपराधी हैं। तो अपराधी देश और राज्य की राजनीति और कौन मंत्रिमंडल में रहेगा नहीं रहेगा उसका मांग करने का नैतिक अधिकार भी नहीं है। जो शुद्ध पॉलिटिशियन होते हैं वही पॉलिटिकल मांग करते हैं। नहीं, जनता जनता ने उनको चुना था। राजू तिवारी को आप अपराधी करके संबोधित कर रहे हैं, अपराधी अरे का बहुत क्या मतलब? अपराधियों को चुना है जनता, जनता चुन लेने से ये राफ साफ और पाक नहीं हो जाते हैं। न्यायालय जजमेंट करता है ऑलरेडी इनके बड़े भाई जो नहीं नहीं तो है राजन तिवारी। सुनिए, कानून राजू जी, कानून राजन की तिवारी को ठीक है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तमाम जगह से सजा मिल चुका है, चुनाव लड़ने से वंचित है, सारे लोग जानते हैं नहीं, राजू इनका भी तिवारी क्या। जी का चुनाव लड़ने से वंचित है क्या? राजू तिवारी जी नहीं, इनके बड़े भाई तो है राजन तिवारी जी। नहीं, आप उनको केसेस के आरोपी बोल सकते हैं, अपराधी कानून आरोपी संगत अपराधी हैं। देखिए, न्यायालय में सब मामला है, आज न कल इनको सजा होगा। इन अच्छा लोगों का पॉलिटिकल इतिहास क्या रहा है बता दीजिए ना आप। नहीं, ठीक है। और दूसरी चीज, एक और बात थी, खून वाली बात तो आपने बता दी। एक सिक्योरिटी पर सवाल उठाया गया था, प्रधानमंत्री जी की तरफ से ही या केंद्र सरकार की तरफ से ही Z+ सिक्योरिटी मिली है चिराग पासवान को, उस पर भी पशुपति पारस जी का बयान आया था। तो
कि ऐसी सिक्योरिटी का क्या मतलब, इसमें तो प्रधानमंत्री जब इंदिरा गांधी थी तब उनकी भी हत्या हो गई थी। देखिए बात तो सत्य है जी जी कि पूरे सुरक्षा के बीच में इंदिरा गांधी का उन्हीं के आवास में हत्या हुआ। जी जी सुरक्षा मिलना न मिलना ये केंद्र सरकार का काम है, ठीक है। नक्सलपंथी इलाका से चिराग पासवान जीत करके आते हैं और उनको केंद्र सरकार कहीं आई भी खुफिया रिपोर्ट के तहत उनको सुरक्षा दिया है। लेकिन ये भी बात यह सत्य है कि चिराग पासवान का नक्सलियों से गहरा संबंध है, ये भी बड़ी बात कर रहे हैं बड़ा। और उन्होंने 2014 का लोकसभा चुनाव जीतने का उनका हमनाम एक चिराग पासवान का नक्सली है, पता कर लीजिए जमुई में, उससे मदद लिए थे कि नहीं, और हमेशा उन लोगों को आर्थिक मदद करते हैं कि नहीं, इसका जांच के लिए हम आज से 2 साल पहले शास्त्री नगर थाना में आवेदन दे करके हम पर जब धमकी दिलवाए थे हत्या का, तो उस समय हमने शास्त्री नगर में थाना में आवेदन दे करके और मांग किए थे कि इसका जांच होनी चाहिए कि चिराग पासवान को किन किन अपराधियों से, किन किन नक्सलियों से कैसा संबंध है, और उसका दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। जो अपराधी से नक्सली से संबंध रखते हो और दूसरे तरफ उस पर धमकी भरा हुआ खबर आईबी को भेजवा करके सुरक्षा लेते हो, तो ये कहाँ तक सत्य है? ये भारत सरकार और राज्य सरकार का पैसा का बर्बादी है, उनको सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है हमें महसूस होती है। ये भी तो विशेष, जैसे आपने बोला कि केंद्रीय मंत्री रखने या न रखने का विशेषाधिकार प्रधानमंत्री को है, तो सिक्योरिटी देने न देने का ये भी तो विशेषाधिकार प्रधानमंत्री। सिक्योरिटी मिला आईबी रिपोर्ट के आधार पर, होम विभाग पक्ष विपक्ष किसी भी नेता का आईबी रिपोर्ट जाता है कि इनके जान का खतरा है, तो जान माल का रक्षा करना केंद्र और राज्य सरकार का दायित्व होता है। बिल्कुल यहाँ तक सत्य रहा। हाँ। लेकिन इन्होंने जो किया षड्यंत्र के तहत सुरक्षा लिया है, उनको कोई खतरा नहीं है, नक्सलियों से संबंध है, नक्सलियों से। आप पशुपति पारस के उस बयान को भी सही मानते हैं? बिल्कुल सही मानते हैं। देखिए सरकार का पैसा का मिसयूज नहीं होना चाहिए, सुरक्षा पर इनका लाखों रुपया केंद्र सरकार का प्रति मंथ खर्चा है, और ये इनको खतरा है नहीं है, ये नक्सलियों से साठगांठ कर करके झूठ मूठ को आईबी को रिपोर्ट करवाए और गलत रिपोर्ट के आधार पर सुरक्षा लिए हुए हैं खाली दिखावा के लिए, इनकी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। ठीक है केशव जी, एक और बात है कि उन्होंने राजू तिवारी ने जो बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं लोजपा रामविलास से, उन्होंने पत्र लिखा है और मतलब केंद्रीय मंत्री पद से हटाए जाने की मांग की है, ठीक है। एनडीए में नहीं है चिराग पासवान फिलहाल, लेकिन ये भी सत्य है कि एनडीए के पक्ष में वो चुनाव प्रचार में भी उपचुनाव में उतरे थे और गए भी थे। उपचुनाव में बिहार में 2 जगह आए, न मान न मेहमान, हम तेरे मेहमान वाला कहावत, न इनको इंडिया बुलाया न किया, ये कुंडली में कब गए? जब पारस जी पूरा प्रचार कर ली करके माहौल बना लिए थे तब, मोकामा में नित्यानंद जी के कहने पर गए, इनको एनडीए की तरफ से कोई ऑफर नहीं। और आज आपको चैनल के माध्यम से हम बता देना चाहते हैं कि चिराग पासवान न एनडीए में है न एनडीए में रहेंगे, ये शुद्ध रूप से आरजेडी गठबंधन में रहेंगे और आरजेडी के सिंबल पर या अपना ही सिंबल पर आरजेडी गठबंधन में महागठबंधन से ये चुनाव लड़ने का भी काम करेंगे। आज नोट कर लीजिए, ये सत्य होगा। अच्छा। ये जो भी बैटिंग कर रहा है भाजपा के लिए नहीं बैटिंग कर रहा है, ये एनडीए के लिए बैटिंग कर रहा है। और चिराग पासवान हमेशा कन्फ्यूज नेता है और कन्फ्यूज और बिहार की जनता को कन्फ्यूज करने का ही राजनीति करते हैं। नहीं नहीं ठीक है, हमारा सवाल उस समय पूरा नहीं हुआ था, हम ये कहना चाह रहे थे कि उन्होंने पत्र लिखा है, अगर उस पत्र पे कार्रवाई की मांग की है, हटाए जाने की मांग की है, अगर इस तरीके की बात होती है, क्योंकि ये भी खबरें चल रही है कि पशुपति पारस जी को रिप्लेस करके चिराग पासवान को मंत्री बनाया जा सकता है केंद्र में, अब सच्चाई कितनी है वो आप ही लोग जानिएगा या वो लोग जानेंगे, लेकिन अगर वैसी सूरत में ऐसा कुछ होता है तब आप लोग का क्या डिसीजन होगा? देखिए आपको सबसे पहले मैंने बता दिया, इस प्रश्न कर रहे थे उसी समय इसका जवाब दे दिया कि चिराग पासवान न एनडीए में है न एनडीए में रहेंगे, वो महागठबंधन के लिए काम कर रहे हैं अंदर से, बाहर से दिखावा के लिए जरूर एनडीए गठबंधन के लिए दिखावा कर रहे हैं, न ये एनडीए गठबंधन में रहेंगे, न एनडीए गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे, न सरकार बनने का, सब काल्पनिक सवाल है,
ना कोई हटने जा रहा है। अभी आप लोगों को ये नहीं दिखाई दिया कि कर्नाटका का विधानसभा का चुनाव हो रहा था, उस चुनाव प्रचार के लिए पशुपति कुमार पारस को प्रधानमंत्री और अमित शाह ने भेजा। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा अगला सवाल यही होने तो वाला यदि था, चिराग पासवान का इतना महत्व रहता तो चिराग पासवान को भेजता। पशुपति कुमार पारस एनडीए में है, एनडीए में रहेंगे और एनडीए के साथ ही हम लोगों का अगला चुनाव होगा और एनडीए के लिए हम लोग घोड़ा सिक्का है, उसमें कहीं दुमत नहीं है। और एनडीए और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एक दूसरे का पूरक है, दोनों का एक दूसरे के बिना काम नहीं चल सकता है। ये सब भ्रामक सवालों का कोई मेरे पास जवाब नहीं। नहीं नहीं, बस एक दो सवाल और बचा हुआ है कि पशुपति पारस को वहाँ बुलाया गया था तो वो प्रचार के लिए गए थे, चिराग पासवान को कोई कॉल नहीं आया था, नहीं बुलाया गया था, आपका यही कहना है? जी जी जी। लेकिन उन लोगों का ये कहना है कि पारस जी का इसीलिए ये हाल हो गया, वहाँ पे बीजेपी हार गई, चिराग जाते तो शायद बेहतर होता परिणाम। अच्छा, चिराग पासवान इतने बड़े राष्ट्रीय नेता हैं तो उनको बधाई और मुबारक कि अपना जमुई बचा ले पहले। जमुई तो बचा ले, जमुई की जनता जमुई में क्यों नहीं घूम पा रहे हैं? जनता वहाँ की क्यों नहीं इनका नोटिस ले रही है? जाए जनता वहाँ जूता का माला लेकर के और कालिख लेकर के खड़ा है। आप जाकर के बिहार राज्य में ही जमुई है, कहीं बाहर नहीं है, जाकर के पता कर लीजिए वस्तु स्थिति। चिराग पासवान तो हाजीपुर से लड़ने की बात उनकी पार्टी द्वारा कहा जा रहा है, चिराग पासवान की तरफ से नहीं। चिराग पासवान का क्या बात करते हैं, यही चिराग पासवान न है कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का नारा देते हैं। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट तो बाद में, पहले जमुई के वो 10 वर्ष सांसद रहे, 10 वर्ष में जमुई को किसी स्थान पर लाते, 140 के बीच में 40वां पावदान पर रखे हैं, उसको यदि 35-37 पावदान पर भी लाते तो ये मान लेते हैं। अपने सांसद कोष का ऐच्छिक सांसद कोष को भी खर्चा करके कर विकास किए रहते, अच्छा देते कि जमीन में कुछ किए हैं। चिराग पासवान का कथ केशव जी, डिस्कशन थोड़ा लंबा हो रहा है, हम इसको समाप्त करना चाहेंगे। मुझे एक चीज ये बता दीजिए कि अब कोई भी रास्ता ऐसा बचा है कि चाचा भतीजा एक प्लेटफॉर्म पे आए, एक पार्टी हो जाए? जो व्यक्ति अपने परिवार को परिवार नहीं समझे, अपने परिवार को अपना खून का व्यक्ति को एक मंच पर आना कठिन काम है और ये संभव नहीं दिख रहा है कि चिराग पासवान जिस तरह से डिक्टेटरशिप चलाते हैं, लोकतांत्रिक मर्यादा का पालन नहीं करते हैं, उस परिस्थिति में दोनों पार्टी एक हो जाए। हम लोगों को तो प्रयास हमेशा रहा है कि रामविलास पासवान जी का स्मृति रहा है, लोक जनशक्ति पार्टी एक होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, जन जन की आकांक्षाओं को पूरा करना चाहिए। लेकिन चिराग पासवान का डिक्टेटरशिप के कारण और कुछ बाहरी ताकतों से पार्टी चलाने के कारण ये लोकतंत्र में बाहरी लोग, डिक्टेटरशिप, ये सब महत्व नहीं रखता है। अच्छा, लोकतंत्र में महत्व रखता है जनता की आवाज, कार्यकर्ताओं की आवाज। जी जी जी, चिराग पासवान की तरफ से ऐसा क्या किया जाएगा कि आप लोग एक साथ हो जाएंगे? कुछ ऐसी शर्तें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं? चिराग पासवान यदि अपने पिताजी का स्मृति को जिंदा रखना चाहते हैं, लोक जनशक्ति पार्टी जिंदा रखना चाहते हैं, एक कार्यकर्ता के भूमिका में आ जाए, सारे महत्वाकांक्षा को अपनी त्याग दें, एक कार्यकर्ता के हैसियत से लोक जनशक्ति पार्टी का काम करें, एक सांसद रहे, उनको भी बधाई और हमारे पूज्य नेता के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उनके बनाए हुए पार्टी को जिंदा रखने के लिए इतना कुर्बानी चिराग पासवान को देनी पड़ेगी। लेकिन ये लगता नहीं है कि आप लोग आपस में जो कड़वाहट आ गई है इसका फायदा कोई तीसरा उठा ले रहा है? अब देखिए, यह तो स्वाभाविक बात है कि जहाँ दो घर का घर फूटता है तो उसका मजा दूसरा लोग लेते हैं। घर फूटे गंवार लूटे, ये पुरानी कहावत है, ये कहावत हमारे पूर्वज लोग कह गए हैं। तो ये तो फायदा उठेगा कि दो आदमी का लड़ाई का बेनिफिट तीसरा उठाएगा। जी, लेकिन हम लोगों के पास एक बड़ी चुनौती है, चुनौती है जो पूर्व में हम कह चुके हैं कि हमको हमारे पूज्य नेता रामविलास पासवान जी का जो सपना था उस सपना को बचाना भी, और सपना को बचाने के लिए हमको अब कोई कुर्बानी देना ही पड़े तो क्या करें, हम कुर्बानी दे करके राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को जिंदा रखेंगे, उसको बचाएंगे, उसको आगे ले चलने का काम करेंगे, जहां तक सफलता मिलेगा हम सफलता हासिल करेंगे। लेकिन चलिए, बिल्कुल आप लोग भी चाहते हैं कि एक हो जाए तो हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में ऐसा कुछ हो कि दोनों
चाचा भतीजे एक हो, लेकिन फिलहाल हमारी यही सलाह है, हमारी यही गुजारिश है आप लोगों से, आगरा से आपसे भी या फिर चिराग पासवान जी या उनकी पार्टी के तमाम जो नेता कार्यकर्ता हैं जो प्रेस से बातें करते हैं, कि एक कहावत पुरानी यह भी है कि जब दुश्मनी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि बाद में जब दोस्ती हो तो आंख मिलाने से भी डर लगे, यानी कि वैसी बातें शायद इग्नोर करनी चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, जो बाद में चलकर उन बातों को लेकर करवाहट और बढ़े और जब दोस्ती हो तो शायद गिल्टी फील हो। मुझे लगता है कि ये तो हम लोग खुद चिराग पासवान से आपको सवाल पूछना चाहिए। नहीं, बिल्कुल, हम दोनों दोनों लोग को बता रहे हैं कि दोनों तरफ से ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए कि बाद में। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी हमेशा राजनीतिक मूल्यों का आदर करती है और राजनीतिक मूल्यों पर आधारित राजनीति करती है और कभी किसी का बखिया उधेर और निजी जिंदगी में नहीं ताक झांक करती है। ये हमारे पार्टी का नीति और सिद्धांत है। हमारे रामविलास पासवान जी पूज्य नेता भी कहते थे हमेशा, चलिए किसी के निजी जीवन जी जी, लेकिन चिराग पासवान जी को हम लोग तो पहले बचकना मान करके बहुत कुछ बर्दाश्त करते थे, लेकिन वो बचकना नहीं करते, वो जान बूझ करके परिवार को तोड़ने का, पार्टी को तोड़ने का शुरू से मानसिकता बना लिए थे और वन मैन शो करना चाहते हैं और वन मैन शो के तहत ही ये तमाम घटना को उन्होंने करवाया है। चलिए ठीक है, केशव जी लास्ट सवाल यही रहेगा कि क्या आपके सांसद सारे इंटैक्ट हैं और अगर हैं तो फिर क्यों मिल रहे हैं इधर उधर? कोई नहीं मिल रहा है, ना कोई जाने वाले हैं। ये सब देखिए, किसी को भेंट मुलाकात करने से, किसी के यहाँ चले आने से इसके और बात और बतंगड़ बनाने से कोई फायदा नहीं है। सारे हमारे सांसद इंटैक्ट है और इंटैक्ट होकर के गठबंधन के तहत 2024 में चुनाव लड़ेंगे और सारे के सारे लोगों को हम लोग लड़ाने का भी काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद केशव जी, अपनी आपको भी धन्यवाद।